दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास है Redmi 12 5G मोबाइल या फिर Redmi 12 4G मोबाइल है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, तो कैसे आप लगाओगे चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं। आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन पहले नंबर पर करेंगे। सेटिंग ओपन होने के बाद यहां पर पासवर्ड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको देखना है कि आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा है तो आप लगा लीजिए। तो मैंने अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट पहले से ही ऐड करके रखा है, तो मैं यहां से बैक आ जाता हूं, आप भी बैक आ जाना ठीक है, अगर आपके मोबाइल में लगा है, अगर नहीं लगा है तो आप लगा लेना। उसके बाद यहां पर एप्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऐप लॉक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। टर्न ऑन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न बनाना होगा, तो जो भी आप बनाना चाहते हो डाल दीजिए। दोबारा से आपको री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नॉट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड चलते हुए दिखाई देंगे, तो आपको वेट कर लेना है। उसके बाद नॉट नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है ठीक है। यहाँ पर पहले से ही कुछ ऐपों पर टिक लगा होगा, तो आपको इस प्रकार से अनटिक कर देना है इस प्रकार से ठीक है। उसके बाद यूज ऐप लॉक का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहां पर देखिए टर्न ऑन फिंगरप्रिंट अनलॉक, तो आपको एक बार फिंगरप्रिंट यहां पर स्कैन करा लेना है इस प्रकार से ठीक है। उसके बाद जिस भी ऐप में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वो ऐप यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं YouTube में लगाऊंगा, YouTube के साइन में टिक है, टिक को ऑन किया मैंने ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां से मैं एक और ऐप सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां से Instagram को सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है। दो एप्लीकेशन में मैंने फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिया है, चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं। यहां से दोस्तों मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद YouTube में लगाया था और Instagram में लगाया था, तो ये रहा YouTube पर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर दोस्तों देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है ठीक है, और जैसे ही मैं फिंगर टच करूंगा तुरंत दोस्तों देखिए YouTube ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से इस मोड में आप ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो।